कभी भी आप सप्ताह में बहुत दूर दूर से कुछ हमारे बड़े श्रद्धालु लोग आते हैं सिर्फ बातचीत करने ही के लिए। अब ये नहीं मुझे मालूम है कि उनकी श्रद्धा का यह कितने दिन तक प्रवाह चलता रहेगा या यह स्रोत बंद हो जाएगा। हो भी सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे इस जीवन में देखा हूं बड़ी बेगवती नदी की तरह बहुत से प्राणी आए और बहुत से वह विला गए चले गए पता नहीं। बहुत से ईर्ष्या घृणा द्वेष कर भी बैठे जो उनके अनुकूल नहीं हुआ तो वह आदमी सब कुछ कर सकता है। अपने आप पर नियंत्रित जिन पर नियंत्रण नहीं है वह सब कुछ कर सकता है। तो आज तो बड़ा ही एक खराब अब बुरी से बुरी खबर लेके आपके सामने प्रकट हुआ हूं वह क्योंकि उसमें आपको बुराई सुनने में बुराई देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ही नहीं जानता ये आप भी जानते हैं बंधु आपका श्रवण भी जानता है खूब नजदीक सट के सुनने का कितना अच्छा इच्छा जागृत होता है आपका बुराई सुनने के लिए यह आप खूब समझते हैं। किसी का बुराई देखने के लिए आपका चक्षु बहुत चश्मा हटा हटा कर देखने के लिए कोशिश करता है किसी को बुला बुला कर उसकी सुनाने के लिए आपको वाद करता है कि उससे भी कहते हैं उससे भी कहते हैं उससे भी कहते तो कितना जो बहुत अच्छा होता है वो मनुष्य के लिए बड़ा स्वादिष्ट होता है। और उसी में हम लोग भी हैं बुराई सुनने वाले में बुराई देखने वाले में। अब बुराई को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने वाले में क्योंकि उस पर कोई टैक्स तो है नहीं और इस तरह की चीज में स्मगलरी करने में कोई खास आपका कुछ न देना न रोक न टोक उसको जहां चाहे तहां पहुंचाए जिसकी बुराई चाहे उसकी बुराई को जहां ले जाना चाहे ले जा सकते। वह जो अज्ञात है और आप में जो वह परा प्रकृति का जो प्रकृति है वो आपको प्रकृति को कब तक देखता रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए वह उस खबर को मैं नहीं चाहता था कहना मगर फिर भी जैसे आपके पेट में नहीं पचता है वैसे मेरे भी पेट में वह पड़ा रह जाएगा तो अच्छा नहीं है। वह खबर है जो हम लोग यहां आने वाले गंगा पार या गंगा उस पार इस पवित्र नगर में पवित्र विचार रखने वाले के लिए नरक में जाना वर्जित कर दिया गया और सारी इस पृथ्वी का वह शासक वर्ग के लिए वो भूभाग सब वो आस्थान सुरक्षित रख दिया गया है। इसलिए यह एक बड़े विकट खबर मिला है
शायद आप लोगों को इसमें कितना रुचि होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वह आपके प्रिय वस्तु है और आपका हाथों से चला जा रहा है, आपको वंचित कर दिया जा रहा है। क्योंकि संत महात्मा महापुरुष सजनों, इस पवित्र नगर काशी और इस गंगा के तट पर अच्छे विचार सुनने की, अच्छे भावनाएं रखने की और अच्छी आचरण करने के जो आपने व्रत ले रखा, इन्हीं सब कारणों की चलते आपको उससे वंचित कर दिया जाएगा। क्या आप वंचित रहना नरक में जाने से अपने को अच्छा समझते हैं? मैं तो समझता हूं कि नहीं अच्छा समझते होंगे, क्योंकि वो आपका प्रिय चीज है जिसके लिए आप बड़ा उत्सुक रहते हैं। तप चुक राज, राज चुक नरक कहा गया है बंधु। महात्माओं संतों तपस्या से चुक जाते हैं तो राजा होते, उससे चुक जाने के बाद उनका वहां स्थान प्राप्त होता है और उस स्थान को आप पूर्ण अधिकारी हो गए थे और इन कृत्यों को करने से आपको भी वंचित कर दिया जा रहा है। छोड़िए ये सब तो संदर्भ की बातें हैं, क्या लेना देना है, जो कुछ होगा होगा। तो हम लोग अपने कुछ स्वार्थ की बातें करें जिसमें हमारा यह कुछ अर्थ रखता हो। हम लोग तो कभी स्वार्थ की बातें करते नहीं थे, बराबर परमार्थ के ही पगडंडी पर चलने की बातें करते रहा और इसका नतीजा यह हुआ कि हम बुरी तरह से पीछे गए, बुरी तरह से दुख पाए हैं, पा रहे हैं। स्व मने आत्मा होता है, जो आत्मा में अपने उस अर्थ को देखता है, स्वार्थ जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे को कह देते हैं कि बड़ा स्वार्थी। कह देना तो बहुत ही आसान होता है बंधु, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग भी स्वार्थी हो जाए तो बहुत होगा, कहां स्वार्थी हो पाते। अपने के उपेक्षा करके और अपने भूखे प्यासे रखकर चाव से सपचंडी का वह कथा भी याद हो गया आपको। सुमेधा ऋषि कहते हैं कि देखो पक्षियों को सूरत और समाधि की, जब पक्षी अपने भूखे रहकर अपने प्यास से रहकर चाव से दाना चुनकर उन बच्चों के मुख में डाल रहे हैं, जिसकी पर जमने के बाद वो उड़ जाएंगे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। बीमार पड़ने पर, भूखे रहने पर, प्यासे रहने पर, बुढ़ापे में ये औषधि चाहिए या जल चाहिए या कोई और सेवा चाहिए आप, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह हमारे भी बच्चे होशियार होते हैं, अपने अपने बीबी बच्चों के साथ चल देते। कई एक आदमी मुझसे मिले, आज भी मिले, रोज भी मिलते हैं, हमारे बच्चे अब अपने चले गए तब से अपने बीबी को लेकर एक पैसा नहीं विदा करते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत सारी कुछ
जो कुछ किया सो उन्हीं लोगों के लिए किया, पांच पांच चार चार दो दो तीन तीन बच्चे कई अपने, कोई हमारा सहायता नहीं करता। आप किसको कोस रहे हैं बाबा, हमें क्यों सुना रहे हैं ऐसी बातें? हमें भी यही बात उनसे कहना पड़ता है, अरे बाबा ये तो आप अपने को कोसें या अपने उस दिन की दुर्बुद्धिता को कोसें कि जिसके चलते आपने बहुत से कृत्य करके, जो नहीं करने चाहिए वो भी कृत्य करके, सामाजिक जिस पर प्रतिबंध था, धार्मिक जिस पर प्रतिबंध था, और यह अपने के आत्मा का पद दलित करने से जिससे बचा जा सकता था, वो सब कुछ करके उन औलादों को आपने पाला और पोसा और निसंस्कार होकर वो आपको तिरस्कार कर रहे हैं, और उस तिरस्कार का परिणाम यही होता है। देख रहे होंगे आप लोग आजकल सप्ताह में एक दिन महाभारत, इसका क्या परिणाम हुआ बंधु? यह खून के दोष के कारण हो रहा है। खून में जब दोष आ जाता है, किस किस कास्ट किस किस जातियों में इन लोगों का मिश्रण के कारण ऐसे विकृतियां हो गई, कोनों का आंख नहीं तो कोनों पीला जन्म लिया, और उसके संतान जो हुए ऐसे विकृत हुए कि ये घृणित कर्म करने के लिए तैयार हुए। आज भी हम लोग अपने किया भी देखते हैं, शुद्ध कुंभ के परिवार नहीं आता अपने घरों में तो उसका घर का महाभारत जारी रहता है, वो खत्म। भले हम धनन लुलुपता के कारण और सुंदरता के कारण और जोनियों सुखों के लिए ये सब उठा ले आते हैं, और उसका परिणाम वही होता है जो होते हुए आज महाभारत से आप प्रेरणा लेते होंगे, और भी बहुत ढंग जगह इस सब तरह के प्रेरणाएं लेते होंगे, जो उसके कुल परिवार खानदान में सब भयंकर दुख ही दुख है, सब कुछ रहते हुए भी राज कोष विभव सब कुछ रहते सबों का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सुमित्रो, मुझे खुशी है कि आप लोगों के लिए वह जो आज खबर आया था जो संस्थान से वंचित कर दिए जाएंगे, आपको लिए नहीं वंचित किया जा सकता, आपके लिए वो स्थान सुरक्षित रहेगा, आप घबराइए मत। यदि अपने सात पुस्तों के खूनों की शुद्धता को नहीं रखेंगे तो उसका यही परिणाम होगा जो होता आया है, जो हो रहा है, आज भी देखते हैं बहुत से देश के, क्या अपने देश का भी शासक पर इत्यादि इत्यादि जो लोग भी हैं, यह सब कुछ सुख शांति उनके पास समृद्धियां है, बहुत बड़े आदमी है, शांति नाम को कहीं उनको भी चैन नहीं है, क्योंकि उनका भी खून शुद्ध नहीं है। हम लोग भी उसी श्रेणी में चले तो हमारे सामने भी वही होगा। हमें अच्छा है अपने
न मरे और न मुटाए वाली स्थिति हमको अच्छा है कि न हम उतने बड़े होएंगे जिससे कि लोग दुनिया के उनको तोड़कर नीचा करेंगे और न हम बिल्कुल छोटे होएंगे कि लोग मुझे पांव से रगड़कर मिट्टी में मिला देंगे। हम बिल्कुल मध्यम उनके कमर के बराबर ही हम रहना चाहते हैं। हम न उनके बराबर रहना चाहते हैं न उनकी ऊंचाई तक रहना चाहते हैं। जो इस तरह का जीवन जीता है और जो व्यक्ति इस तरह से रहना चाहता है वो बहुत अच्छा होता है और वही शुद्धता बीज के रूप में रखा जाता है तो अपने फसल होता है। बहुत बंधु खेतों में देखते हैं सभी फसल को हम लोग बीज के रूप में नहीं रखते, हम लोग उसमें से बीज के लिए फसल को चुन कर रखते हैं, छांट के रखते हैं। तो हम बीज के रूप में यदि रखे जाए सकने वाले में से बने तो बने और नहीं तो बहुत ढेर बहुत बहुआयत के रूप में बनना चाहते हैं तो उसमें से बने। हमें अपने चुनना है और उसके चुनाव हमें स्वयं करना होगा। बंधु यदि हम नहीं करेंगे तो हम लोग सब संकर हो जाए, संकर ही संकर, और उसका परिणाम यही होगा कि कला हिस्सा देश माल पेट लोग विकृतियां, कोई लंगड़ा कोई बहरा कोई गूंगा कोई अंग कोई भंग कोई विचित्र विचित्र रूप और सकल सूरत वाले लोग, विचित्र विचित्र भाषा बोलने वाले, विचित्र विचित्र आवाज देने वाले, ऐसे ऐसे शब्द उच्चारण करने वाले घरों में बैठे रहेंगे, अपने ही परिवार में उत्पन्न होंगे, जो सुन सुन करके आप देख देख करके आपको ज्वाला फूंक देगा। बंधु आप जलेंगे भी नहीं और जलते हुए अपने को देखेंगे। क्या ऐसा जीवन जीना चाहेंगे आप? यह आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। बंधु आज जितने अच्छे ऊंचे शिक्षा जिन जिन के जो आज की शिक्षा है विश्वविद्यालयों के वहां पर जितना अच्छे नए नए ये सब उभर रहे हैं जिसको अच्छा कहते हैं लोग, आजकल के लोग उसी को अच्छा कहते हैं बहुत से लोग, क्योंकि उसमें उनको कुछ और ही उनका अपनी अर्थ कोई छिपा होगा, कहा नहीं जा सकता। बंधु वह सबसे वह वंचित है जो वास्तविकता है, जो उसकी सुंदरता था, जो उसकी सच्चाई था, जो उसकी बिल्कुल वास्तविकता था और उस परिणाम को वो भोग भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं। अभी तो हम लोगों को 40-45 वर्ष का तो अपना यह देश में स्वतंत्र हुआ है, इसका पहले तो न मालूम हम लोग कितने दिनों से 1857-133 वर्ष हुआ। बंधु
ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 1800 तक तो हम लोगों के पास कुछ हमारे क्या दुनिया का ही एक दूसरे से नजदीक आने या कहीं किसी की कोई साधन नहीं सुना। 1914 की बाद से यह सब कुछ दुनिया में नए सब आया। उसके बाद हम लोग हमारे पूर्वज लोग बूढ़े लोग थे, यह आशा नहीं करते थे कि महाभारत वाली रक्त दोष क्या अब भी हमारे औलादों के पास होगा, परिवारों के पास होगा, खानदानों के पास होगा, जिसके चलते हम तिरस्कृत किए जाएंगे, घृणित किए जाएंगे और समाज में मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे। और यदि होंगे तो वही लोग वैसे नहीं समाज वो अपना एगो बनाए हुए हैं लोग जिनका उसी में वाह वाह है, वो लोग बड़े लोग हैं, वैसे बड़े लोगों से अच्छा है अपनी वह गरीबी, अपनी वह फटी पुरानी वस्त्र बंधु, अपनी वो टूटी फूटी झोपड़ी अच्छी है जिसमें हम स्वच्छता से सो रहे हैं, शांति से विश्राम कर रहे हैं, अपनी जो आधा पेट खाना मिला उससे एक दो टाइम नहीं तो एक टाइम तो मिला, स्थिर से मिला, हम उस टूल टेबल कुर्सी से हम अच्छे हैं और वो लोग भी वो अच्छे हैं हम सबसे जिनके पास इस तरह की दुरात्माओं की भावनाओं का कोई आहट तक नहीं पड़ा है। और जिनके जो उसी में है तो उनको लिए तो कुछ कहा ही नहीं है। सुअर की खुभार भावे, कीच भावे केत की, सुअर को कितनो धो धा करके आप अच्छे जगह रखना चाहेंगे तो भागेगा तो उस खुभार में ही जहां सड़े गले मलमूत्र का कीचड़ बहता। मेढक को कितनो स्वच्छता से रखना चाहिएगा तब भी वो उछलता है तो कीचड़ में ही उछलता है जाता है। ऐसे जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? यदि हमें उसी श्रेणी में रहना पसंद है, हम उसको बहुत आदर देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, उसी को हम सुख समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छे ये बुरी बातें जो बाबा जी लोगों का है, साधु महात्माओं की, इनकी बुरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु और भैंस से कहीं रहता है, कितनों आप दंडवत करिए भैंस के पास बिझुक जाएगी तो एको बेर एको बूंद दूध नहीं देगी, मारेगी लात की तार बल्टी फल्टी फेंका जाएगा, अब पहनाएगी तो खूब दूध देती है, बल्टी भर देगी, मगर यह आशा कम करिए कि वो भैंस पहनाएगी, बिजुका तो फिर मुश्किल है, इसलिए उसकी सारी बातें ही बुरी है। और आपका आज के सभी कुछ टेलीविजन रेडियो सब लोग भी यही कहते हैं कि यह सब बेवकूफ है, यह सब वाह है। ठीक में हम सब ऐसे लोग जो रहने वाले हैं वो सब ऐसा ही नहीं, तुम ही लोग अच्छे हो बाहो, नए नए प्रगतियां लेके, नए नए अच्छाइयां लेके आए हो, नए नए समाज में सुख और शांति लेके आए हो, समृद्धि लेके आए हो, जिससे मनुष्य आज कलह ईर्ष्या द्वेष से वंचित है, कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा, किसी की आंख से आंसुए नहीं गिर रहा है। ऐसा ही हो बंधु तो फिर क्या पूछना है, रामराज क्या कोई दूसरा कल्पना है, कुछ नहीं। और वो अभागत क्या करेगा, वो दरवेश क्या करेगा जो इस दर से वो दर मांग के एक एक टुकड़ा रोटी जीता रहा खाता रहा। आज भी हम लोग यहां रहते हैं, द्वार द्वार से जिनसे संबंध है, जिनको जानता हूं, उनके द्वार से भिक्षा आता है, अन्न आता है, जल आता है,
जिससे हम लोग जीवन यापन करते, कुछ अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं, खोदते हैं, खानते हैं, उससे उपार्जन करते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी कुछ नहीं करते, हाथ पांव नहीं चलाते, एकदम बिल्कुल निकम्मों की तरफ इतना जीवन जीना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। जो कुछ भी अपने आता है बुद्धि में, कुदारी से लेकर, फरसा से लेकर, फूल कोड़ने से लेकर, गमले सजाने से लेकर, मक्का चना सब्जी बोने से लेकर, सब कुछ कुछ करता हूं। खाली वह आकृति को हम पूजने में ही विश्वास नहीं करता, जिसमें कोई आकृति नहीं है उसका पूजा करने में मुझे भी विश्वास है। मैं जानता हूं कि यह मनुष्य द्वारा निर्मित जितना कुछ है, देवता या मंदिर या काव्य या दर्शन या कथा या कहानी, एक मनुष्य के समय बिताने के लिए वास्तविकता इसमें है नहीं, हमें भी मुझे पूरी मालूम है। वास्तविकता क्या है वो भी मुझे मालूम है। अगर ये सब कुछ मालूम होते हुए बंधु आपके सामने मैं आपसे बोलने चालने कहने सुनने सुनाने में हमें उस चीज को उसी ढंग से कहना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है जिस ढंग से हम आपसे कह सकता हूं, सुन सकता हूं, सुना सकता हूं। हम उस तरह की वह मूक भाषा जो वह है जिसे हम मंत्र कहें, जिसे हम अपने उस अंतरंग की पूजा कहें, और चाहे जिसे हम उस आत्म अनुसंधान कहें, उस मुख्य भाषा में हम आपसे सामूहिक नहीं बातें कर सकूंगा। उसका कुछ और ही तरंग निकलता है, और उन तरंगों की छायाएं कुछ और ही ढंग की होता है, जो सिर्फ वह एक जैसे इमली कहने से मुख पर चटपटा आ जाता है, जीभ में लार आ जाता है। इस तरह से तत्काल उस चीज को हम जैसे किसी बहुत ऐसे वस्तु को स्पर्श करने से एक अजीब अजीब सा भासता है, उसी तरह से हम उसकी जब स्मरण करता हूं, याद करता हूं, तो हमें वैसा अवश्य ही भासता है। हमारी यदि मनोस्थिति ठीक रहा तो हम उस आकार रहित, उस जिसे हम किस शब्द में कहें, वो कोई शब्द नहीं हो सकता, वह अज्ञात को स्पर्श भी करता। उससे जो तरंगे निकलती है वह मेरे भी शरीरों को स्पर्श करता है। उस वक्त मेरे मन, मेरे चित्त, मेरे हृदय कितने आह्लाद होता, कितनी शांतियां होती है। जिस शांति के लिए मनुष्य न मालूम कितने तरह से क्या क्या कोशिश कर रहा है, सब कुछ रहने के बाद भी अशांत जीवन बना रहता है। सब कुछ बहुत परिवार कुटुम्ब, बहुत तेरे लोग घर में भरे रहते हैं, जैसे बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, या बड़ा राजा हो या छोटा राजा, बड़ा देश हो या छोटा देश हो, उसका शासक क्या करता है। एक लोगों का भरण पोषण, खान पान जुटाना, सुख शांति देने के अलावा और वो क्या करता है। यही करते कराते वो भी अपना झड़ते लगड़ते इस पृथ्वी से उठकर चला जाता है। कुछ दिन लोग तालियां बजाते गाते उसके, वैसा था वैसा था, कुछ दिन के बाद भुला दिया जाता है। वो तो वह महापुरुषों की श्रेणी में नहीं आता कि उसकी बार बार उदाहरण दे देकर एक दूसरे को हम
मार्ग की तरफ, उस पथ की तरफ प्रेरित कर सके। वह जो बिल्कुल